तो दोस्तों सबसे पहले तो तुम्हें अपना नाम सोचना होगा। नाम सोचना सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है। लाइक तुम्हें क्या नाम रखना चाहिए अपने वर्ल्ड का, ये मैं तुम्हें मोड सिखा रहा हूँ, क्रिएटिव हार्डकोर सॉरी सर्वाइवल। अगर तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा जिगरा है, तुम लगता है कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, तो तुम हार्डकोर खेलो। और अगर तुम शुरुआती दिनों में हो तो क्रिएटिव खेलो, क्रिएटिव से कुछ बनाओ, फिर उसके बाद आना। सबसे पहले तो मैं नाम लिखता हूँ, मैं वही नाम लिखूंगा जो मैं सोचता हूँ। मैं नूब हूँ, अभी मैं नूब हूँ गाइस। और ये देखो हार्ड पीसफुल इजी, मैं चूज करूंगा इजी क्योंकि अभी मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, हार्ड रखने का कोई फायदा नहीं है। और गाइस तुम देखो मोर वर्ल्ड ऑप्शंस में तुम्हें सीड वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे, सीड वगैरह के ऑप्शन ये है, वो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ ट्यूटोरियल में क्या सीन रहता है। लेकिन हाँ ये देखो, अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर जगह पे स्पॉन होना है और तुम्हारे पास सीड है तो तुम वहाँ हो सकते हो उसकी मदद से। क्रिएट न्यू वर्ल्ड, हम क्रिएट करेंगे अपनी नई दुनिया, हमारी दुनिया बहुत ही खूबसूरत होने वाली है और हम उसको और खूबसूरत बनाने वाले हैं अपनी क्रिएटिविटी से। वैसे एक सर्वाइवल मोड में खेल रहे हैं हम, जॉम्बीज वगैरह आएंगे उनसे बचना भी है हमें, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ, सबसे पहले जैसे तुम स्पॉन होगे ना, कुछ मत करना, खड़े रहो, लकड़ियाँ देखो कहाँ है, ये देखो पेड़ है सामने, काट दो लकड़ी है। तुम जस्ट शुरुआत होते ही लकड़ी पे अटैक कर दो, और कुछ नहीं करना तुम्हें इधर बाद आए भाई नहीं जाना। और तुम्हें मैं बात और बता दूं, सबसे पहले तुम्हें घर बनाना पड़ेगा वरना ज़ॉम्बीज आके ना तुम्हारी रात की नींद उड़ा देंगे। नींद क्या उड़ाएंगे, वो फटते रहेंगे तुम्हारे पास आके। ज़ॉम्बीज होते क्रीपर होता है यार, क्रीपर फटने वाला तो अगर तुम्हें बचना है, वैसे रात को नहीं फटता क्रीपर, रात को वो अटैक ही करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें घर बनाना पड़ेगा, और घर बनाने के लिए तुम्हें दो तीन चीज़ें तो अभी चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें क्राफ्टिंग टेबल चाहिए, क्राफ्टिंग टेबल में बना के दिखाता हूँ तुम्हें कैसे होती है। और ये चीज़ देखो गाइस, बुक पे क्लिक करो, 6 मैंने कलेक्ट करी, उसके बाद मैं तुम्हें एक शॉर्टकट की बताता हूँ, लेफ्ट क्लिक और शिफ्ट। ये देखो 24 के 24 एक क्लिक में आ गई मेरे पास। कई लोग क्या करते हैं, करते रहते हैं और ये देखो गाइस ऑन योर लेफ्ट, इसको दबाओ, इसको क्लिक करो और तुम्हें ये भी मिल जाएगा, सिर्फ एक क्लिक में मिल रहा है सब कुछ। ये तुम्हें स्टिक्स मिल जाएगी, तुम्हें ये नहीं करना गूगल करना उधर जा रहे हो देखने के लिए, सब कुछ सामने यार करो अपने आराम से। ये मेरे को 4 स्टिक्स मिल गई है और ये मेरी क्राफ्टिंग टेबल, और इस क्राफ्टिंग टेबल की मदद से मैं वुडन पिकैक्स बनाऊंगा जिससे हमें लकड़ियाँ काटने में और आसानी होगी। और तुम्हें पता है यार, हमें इसको काफ़ी आसान बनाना पड़ेगा तभी हम शॉर्टकट वगैरह यूज़ करने वाले हैं। मैं तुम्हें ऐसे ही बताने वाला हूँ गाइस, अगर तुम्हें पसंद आया तो बिल्कुल लाइक ठोकना। और देखो गाइस हमने स्वॉर्ड भी बना ली, स्वॉर्ड हमने इसलिए बनाई क्योंकि जानवर वगैरह आने वाले हैं और अगर जानवर आएंगे तो हमें खाएंगे क्या हम, तो मैंने स्वॉर्ड बना ली। एक 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 फटके में मरता है जानवर, पट से हेडशॉट दे देना स्वॉर्ड से, वेरी क्या बोल रहा हूँ मैं। वैसे देखो गाइस मैंने ये बना लिया, अब मैं इसको अंदर रखने वाला हूँ। अब मेरे को थोड़ी लकड़ियाँ कलेक्ट करनी पड़ेगी अपने घर के लिए, और घर हम ऐसी जगह पे बनाएंगे जहाँ पे थोड़ी खुला खुला हो, ऐसे नहीं कि ये पेड़ काटने पड़े, इतना सारा मेहनत करने पड़े। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हमें गाय मारनी पड़ेगी ये वाली, हाँ बिल्कुल काउ पे अटैक करना पड़ेगा गाइस। हमें इसके पे इसलिए अटैक करना पड़ेगा क्योंकि यार ये खाना है हमारा, और हमारा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआती दिनों में क्योंकि तुम्हें पता है यार हम गिरते पड़ते रहते हैं। और ये देखो मैं इसमें घर बना रहा हूँ, मैं इस वाली जगह पे आके घर बना रहा हूँ, छोटा सा घर बना रहा हूँ, मेरे को बहुत बड़ा घर नहीं। अब तुम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हो तुम लोग, तुम सोचते हो यार तुम पहले उसमें महल खड़ा कर दोगे पहले गेम प्ले में, अरे नहीं होता भाई ऐसा। सबसे पहले तो तुम्हें अपने सर्वाइवल का देखना है, रात होगी तो क्या करोगे, क्या काम बचोगे, बेड तो शिप तो मिलने नहीं वाला इतनी आसानी से। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपना घर बनाना, 4 दीवारी खड़ी कर दो यार जैसे देखो मैंने करी अभी। उसके बाद मैं यहाँ पे दरवाज़ा देखता हूँ, रुको पहले क्राफ्टिंग टेबल रखनी पड़ेगी मुझे, मैं भूल गया था, क्राफ्टिंग टेबल में नीचे रखता हूँ, ये मैंने क्राफ्टिंग टेबल रखी। इसके बाद मैं डोर बनाऊंगा, डोर बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लकड़ियाँ तुम्हारे पास हैं तो बन जाएगा डोर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। ये दूसरे उस पर जाके ये देखो गाइस 3 दरवाजे मेरे को ऐसे मिल गए फ्री के, ये तुम्हारा भाई यहाँ दरवाजे रखेगा अपने को, ये देखो भाई बन गया तुम्हारा घर। वैसे अभी ये थोड़ा सेफ नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं क्यों, क्योंकि इसकी दीवारी थोड़ी थोड़ी छोटी है और अभी भी हो सकता है कांड होने को, तो मैं थोड़ी दीवारी बड़ी कर देता हूँ उसकी। दीवारी बड़ी करके हम क्या करने गए, सेकंड स्टेप क्या होने वाला है ये तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारा सर्वाइवल की जगह बन गई है और उसके बाद तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा तुमने अपना घर कहाँ बनाया है। बहुत बार क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं, लाइक उनको मिलता ही नहीं है, और इतना बड़ा मैप है यार, तुम कहीं भी भटक जाओ तो आसानी नहीं होगी तुम्हें अपना ये जो घर तैयार ढांचा तैयार करते हो जहाँ पे तुम उसको ढूंढने में। छोटा सा घर है मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बड़ा महल बनाना है, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। तुम कभी भी ऐसा नहीं कि तुम प्रो बन जाओगे पहले दिन के अंदर ही, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना। पर ये गाइस तो देखो मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडवाइस, तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है। तुम यहाँ पे आओ और एक टावर सा बना दो, जितना ऊंचा तुम घर बनाने वाले हो ना फ्यूचर में उससे भी बड़ा ही बनाओ, मैं तुम्हें बोलता हूँ टावर बना दो, ये तुम्हें दूर से भी दिखेगा और मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा आगे कैसे। तुम काफ़ी दूर हो गए वहाँ से भी तुम्हें ये दिख रहा होगा, लेकिन ये मेरे को जंप करना पड़ा, मुझे पता था इतनी हेल्थ कम होगी, इतनी तो होती है।
और मैं वैसे थोड़ी और कम समझ रहा था, लेकिन कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, बात नहीं है, हम जानवर वगैरह इकट्ठी करेंगे। लेकिन गाइस देखो, मैंने अभी बीफ वो खाया और मेरे को बहुत कम हेल्थ इंक्रीज हुई। ये मैं आ गया स्टोन के पास, स्टोन के पास आ गया इसलिए क्योंकि मेरे को स्टोन एज में आना था और स्टोन एज आने के लिए थोड़ा दूर आना पड़ा गाइस मेरे को अपने घर से बहुत दूर आना पड़ा। और मैं ढूंढ लूंगा अपने घर को यार, दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें पता है मेरे पे बहुत बड़ा टावर है, टावर ही है हाँ। गाइस तुम देखो, मैं पहुंच गया, मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। गाइस देखो, यहाँ पे मेरे को कॉल ढूंढना था। कॉल किस क्यों ढूंढना था मेरे को ये बताता हूँ मैं। कॉल के लिए हमें काफ़ी दूर आना पड़ा, लेकिन ये वर्थ इट था, हमें काफ़ी सारा मिल गया। और कॉल से हम टॉर्च बनाने वाले हैं, बहुत ज़रूरी होती है चीज़, कॉल बहुत ज़रूरी है। अगर तुम खाना भी पकाना चाहते हो उसके लिए भी तुम्हें कॉल चाहिए, तुम्हें फर्नेस बनाना है, तुम्हें कुछ भी, मतलब उसके लिए तुम्हें कॉल चाहिए। तो जितना हो सकेगा तुम कलेक्ट करना कॉल अगर तुम्हें मिल गया। और कॉल की निशानी क्या है, ये जो स्टोन है ना इसके अंदर ब्लैक ब्लैक तुम्हें स्ट्रिप सीखेंगे। और गाय से कहो, यहाँ मैं रुका हूँ तुम्हें दिखाने के लिए, ये देखो इतनी दूर से भी मेरे को दिख रहा है मेरा घर। तो यही चीज़ है जो तुम्हें, लाइक तुम्हें एड्रेस पूछ के तो जा नहीं सकते तुम भेड़ बकरियों से जो यहाँ पे घूमती रहती हैं, तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। या तुम कोऑर्डिनेट्स भी याद रख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो देखो मैं तुम्हें ये दिखा चुका हूँ किस तरह से तुम अपने घर को याद रख सकते हो। अबे यार मेरी हेल्थ कम हो रही है, मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा। और गाइस ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही यार, इतनी देर से बारिश हो रही है। हे हे हे, जल्दी 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 जल्दी। अरे यार ये पहुँच गया। हाँ गाइस, वहाँ पहुँचने के बाद मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि हमें किस तरह से फर्नेस बनाना है। फर्नेस बनाने का एक फ़ायदा ये रहता है कि तुम अब कुछ भी पका के खा सकते हो, और जब तुम पका के खाते हो तो तुम्हारी हेल्थ बहुत अच्छे से बढ़ती है। लाइक अगर मैं रो खाऊंगा तो लाइक वन ये हार्ट इंक्रीज होगा, लेकिन अगर मैं पका के खाऊंगा तो लगातार लाइक होती रहेगी, फिर वो 4-5 हार्ट इंक्रीज हो जाएंगे। और ये देखो गाइस, पिगी आ गया, पिगी को मैं मार रहा हूँ क्योंकि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए था, मेरी हेल्थ थोड़ी कम है, मैं गिरता पड़ता आ रहा हूँ यहाँ तक। और ये मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा हुआ है, क्राफ्टिंग टेबल इसलिए रखा है क्योंकि मेरे को चाहिए फर्नेस। तो मैं फर्नेस के लिए कोबलस्टोन कलेक्ट करने पड़ेंगे, और कम से कम 9 तो होने ही चाहिए। और ये देखो गाइस, ये तुम्हारा भाई लगाएगा फर्नेस लगाएगा और तुम्हें कुछ पका के भी दिखाएगा कैसे पकाते हैं। पहले तो मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, फिर मैं पकाने के लिए इसमें डालता हूँ मीट। ये मैंने डाला मीट, मीट डालने के बाद तुम्हें रखना है यहाँ पे कोयला। कोयला रखने के बाद अभी मैंने निकाल दिया, मैं इसको एक ही रखना चाहता था। रुको, अब रख देता हूँ। हाँ अब ठीक है, अब देखो गाइस मेरा पका हुआ मीट मेरी हेल्थ कितनी ज़्यादा इंक्रीज करने वाला है। ये देखो, ये मैं खाऊंगा। अबे अबे अबे, गलत डायरेक्शन में था। अब तुम देखो मेरी हेल्थ, ये कमाल होता है, ये मैजिक होता है फर्नेस का। तो फर्नेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं थोड़ा बाहर जाके देखता हूँ, मेरे को टॉर्च चाहिए यार, मेरे को टॉर्च। टॉर्च के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लकड़ियाँ चाहिए, मेरी लकड़ियाँ खत्म हो गई यार, मेरे को लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी। सामने ही पेड़ है और गेम मोड इजी है, इससे मेरा मतलब है कि अभी ज़ॉम्बीज़ वगैरह इतने नहीं आएंगे हमारे पास। अगर नॉर्मल होता या थोड़ा डिफिकल्ट होता तो हमारा जीना हराम कर देते ज़ॉम्बीज़, लेकिन अभी उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो कोल और स्टिक हमें चाहिए, स्टिक के लिए मेरे को चाहिए लकड़ियाँ, तो मैं बाहर जाकर लकड़ियाँ लाने वाला हूँ। एक पेड़ को काटूंगा, ज़्यादा नहीं, एक पेड़ से भी काफ़ी सारी बन जाएगी मेरे को लगता है। देखो गाइस, ये तुम्हारा भाई वुडन पिकैक्स यूज़ करेगा। अभी मेरा वुडन पिकैक्स भी जाने वाला है, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई करता है जल्दी। 2 मिनट की बात है यार, अरे मेरे को मैसेज आ रहे हैं। अरे यार जल्दी मेरे को अंदर जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ किस तरह से, 1 मिनट का खेलेगा इसे टॉर्च बनाना। और जब तुम्हारी टॉर्च बन जाती है तुम्हारी हेल्प करेगी, लाइक तुम्हें दूर से दिखेगी रात के टाइम तुम्हारा। अभी मेरा ये बुझ गया भाई, इतनी बारिश हो रही है, सारा मेरा मीट वीट गीला हो गया। रुक जाओ 1 मिनट, ये मैं पहले तो वुडन वो बनाता हूँ, और प्लैंक्स, ये हमें यहाँ से चाहिए स्टिक। स्टिक के बाद तुम्हें चाहिए कॉल, तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हें इस पर क्लिक करना है। ये तुम्हें मिल गई तुम्हारी टॉर्च। टॉर्च मिलने के बाद तुम्हें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो तुम अपने घर पे लगाओ, क्योंकि घर पे थोड़ी रोशनी होनी चाहिए ना। ये देखो, ये मैं लगाऊंगा घर पे अपने, ये मैंने लगाई। अब मैं जाऊँगा बाहर, मैं बाहर भी लगा दूंगा, बाहर से दूर से दिखेगा फिर वो मेरा घर, और यही तो मेरे को चाहिए। ये मैंने लगा दिया बाहर भी। अब यहाँ से मैं करूँगा तो पीछे से भी लगाऊंगा मैं, क्योंकि पीछे से अगर मैं पीछे से रास्ता भटक गया तो वहाँ से भी दिखनी चाहिए ना मुझे। ये देखो गाइस, ये मेरे को दूर से दिखेगा, अब रात के टाइम रोशनी आती हुई दिखेगी कहीं। और इसको मैं और ऊंचा ले जाऊंगा तो और भी बढ़िया लगेगा। ये देखो, तो मैं सोच रहा था मैं यहाँ भी लगाऊं, लेकिन मेरी टॉर्च ख़त्म हो गई है, इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा मेरे ख्याल से। ये इतना ही था मेरे पर टॉर्च। तो गाइस ये था तुम्हारा डे 1 सर्वाइवल।
अब तुम्हें बताता हूँ डे टू का क्या रखना है। तुम्हारे पास एक बेड होना बहुत जरूरी है, और बेड तुम्हारे पास तब होगा जब तुम्हारे पास शीप होंगे। शीप को ढूंढना ये तुम्हारी प्रायोरिटी है। लाइक तुमने इतना कर लिया, इसके बाद तुम्हें शीप को ढूंढने निकले निकलना है। अब कहाँ मिलेंगे, कितनी देर में मिलेंगे वो मैं नहीं जानता, तुम्हें शीप को ढूंढना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ढूंढने वाले हैं अपने शीप को, शीप मैं करने वाली शीप। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, वैल्यू एडेड है।